हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो हाँ, आज का टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ का वीडियो लेकर आई आपके सामने। तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं लाई हूँ आज पार्टी वेयर साड़ी कलेक्शन, जो कि मेरे पास है। तो अपनी साड़ियों का कलेक्शन लेकर आई आपके पास। और हाँ, इसलिए मैंने आज पहनी है साड़ी, क्योंकि मुझे लगा जब साड़ी कलेक्शन का वीडियो बना रही हूँ तो क्यों ना साड़ी पहने जाए। ऐसे तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने साड़ी पहन ली। और साड़ी पहनकर ही आपको साड़ी का कलेक्शन दिखाया है मैंने। उन्हीं को मैं दिखाऊंगी आपके सामने कि किस तरह की साड़ी है मेरे पास, उन्हीं का कुछ कलेक्शन है। तो क्योंकि सारी साड़ियाँ मेरे पास नहीं है, जितनी मैं मतलब यहाँ पर पहनती, बाकी सारी मेरी ससुराल में रखी हुई हैं, जहाँ क्योंकि वहाँ यहाँ पर इतनी कोई शादी वगैरह होती नहीं है, तो मैं ज़्यादा हैवी साड़ी यहाँ पर लेकर नहीं आई हूँ। बट हाँ, है थोड़ी बहुत, कभी कोई फेस्टिवल में मन कर जाता है पहनने का तो मैं ले वो अपने पास अपने साथ लेकर आई हूँ। और ज़्यादा मैं साड़ी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि साड़ी आपने देखा होगा मैं वीडियो में भी बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, और ज़्यादा मैं सिंपल साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। तो पार्टी वेयर साड़ी मेरे पास ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बट जितना है मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए देखिए मेरे पास कैसी कैसी साड़ियाँ हैं। और इसमें से साड़ी मतलब शुरू से लेकर, जैसे मेरी फर्स्ट साड़ी जब मैंने पहनी थी फर्स्ट टाइम, उस टाइम से लेकर उस टाइम की भी साड़ी है मेरे पास। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की मेरे पास साड़ी है। जी हाँ, तो साड़ी कलेक्शन को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को पहले या पहले से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई आपका सुझाव है, आप सुझाव देना चाहते हैं, मेरी वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है आपको, तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट का वेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सजेशन देते हैं और कमेंट करके बोलते हैं, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से कमेंट करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं और किस टाइप से मैं मतलब किस तरह से मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकती हूँ, जो कि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं साड़ी। तो फ्रेंड आइए देखते हैं मेरी साड़ी नंबर वन। ये है मेरी पहली साड़ी, ये मतलब ये साड़ी देखिए, ये लग रही होगी बहुत पुरानी, क्योंकि ये मेरी शादी के कम से कम 7-8 साल पुरानी साड़ी है, ये 8 या 9 साल पुरानी साड़ी है। ये फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी थी और इसी को पहन के मतलब जब मेरी शादी हुई थी, शादी होने के लिए जब आते हैं ना ससुराल से देखने के लिए लोग, तो उस टाइम उस दिन पहनी थी मैंने ये साड़ी। तो इसी साड़ी में मेरे ससुराल ने मुझे पसंद किया था, तो ये मेरे लिए बहुत खास साड़ी है, इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है साड़ी से, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का है इसका वर्क, इसमें स्टोन मोती और सितारे का वर्क है, पाइप वो कटदाना बोलते हैं, देखिए पास से इस टाइप की साड़ी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये है इसका पल्लू, ये देखिए ये है इसका पल्लू में इस टाइप का वर्क है, ये पूरा नीचे तक वर्क है। और ये चीज है नीचे का, ये प्लेट का साइड, प्लेट के साइड का है, प्लेट पे भी पूरे लंबे लंबे ये आएंगे ऊपर तक, बस पूरी साड़ी में ऐसा ही वर्क है। देखिए ये प्लेट्स है, प्लेट्स में फिर आधे पे डिजाइन है, ये इस टाइप की है मेरी ये साड़ी, ऐसी है ये साड़ी। तो बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये वाली साड़ी। तो फर्स्ट साड़ी देखी आपने, ये है मेरी दूसरी साड़ी, पिंक कलर, डार्क पिंक है और बहुत सुंदर कलर है इसका, अच्छा लगता है मेरे ऊपर, मैंने पहनी है तो देखिए इस टाइप से ऐसे, देखिए इस टाइप की साड़ी, और ये पूरे में वर्क है इस साड़ी में। तो ये साड़ी है मेरी इंगेजमेंट की साड़ी, यही पहनकर मेरी इंगेजमेंट हुई थी इस साड़ी को पहनकर। तो मैं दिखाती हूँ इस साड़ी का लुक, इसमें भी वही वर्क है जो साड़ी उस साड़ी में वर्क था, वही वर्क इसमें भी है, सेम जरी का काम है, मोती है और आई थिंक मेटल कलर बोलेंगे, देखिए तो इस टाइप की है साड़ी, देखिए इस टाइप का वर्क है इसमें,
सिल्वर कलर, वो मेटल कलर की मोती और उसी का धाग, उसी की जर्जरी का काम है, तो काफ़ी अच्छी लगती है साड़ी पहनने में मेरे। और यहाँ से आके फिर प्लेटों में हाफ हाफ वर्क हो गई है, जैसे हाफ हाफ नीचे प्लेटों में होती है ना, देखिए इस टाइप से आपको। तो बाकी पूरे साड़ी में ऐसी वर्क है, और इधर प्लेन है थोड़ी सी, प्लेट के साइड पीछे जो आता है राउंड राउंड में वो प्लेन ही रहता है। तो ये थी मेरी सेकंड साड़ी, अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड साड़ी, क्योंकि अपनी शादी की मैंने साड़ियाँ यहाँ पर, मैं साड़ी यहाँ पर नहीं लेकर आई जो मैंने शादी में मिली थी और शादी में मैं पहनी थी, क्योंकि काफ़ी हैवी हैवी साड़ी है तो वो मैं लेकर नहीं आई। ये है इसकी साड़ी, इसमें भी सेम वही वैसा ही वर्क है, फुल साड़ी में वर्क है, इसमें थोड़ा सा अलग है, आपको दिखाती हूँ मैं। इसका जो बॉर्डर है ये देखिए, इस पे ये वेलवेट है, बीच बीच में ना ये रेड है, ये ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ये वेलवेट का काम है, और इस वेलवेट पे मोती और सितारों का काम है, जरी का काम है। तो ये भी उस टाइप की साड़ी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी सच में, कि इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है, साड़ी साड़ियों से हटके है, इस टाइप से है इसका। मैं दिखाती हूँ इसका पल्ला, दिखाती हूँ, ये है इसका पल्लू ऐसे ही, ऐसा लुक आता है इसका। ये है मेरी थर्ड साड़ी, और अब दिखाती हूँ आपको, तो देखिए ये है मेरी चौथी साड़ी, ये इसको कौन सा कलर बोलेंगे, आई थिंक घिया कलर बोलेंगे, बहुत अच्छा कलर है, लाइट कलर है, और इसमें सिर्फ मोती का वर्क है, देखिए आप इस टाइप का वर्क है इसमें, वाइट मोती, इसे दूधिया मोती बोलते हैं, तो दूधिया मोती का वर्क है इसमें। तो ये साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और देखिए इस टाइप की ये साड़ी, पूरे में इसमें नग है, पेस्ट हो रखा है, नग चिपकाया हुआ है, इसमें जितना भी वर्क है आई थिंक, हाँ थोड़ा सा वर्क है पीछे से धागे से, बाकी सब ये नग वग चिपके, क्योंकि अभी तक तो आजकल तो मार्केट में जितनी भी साड़ियाँ, चाहे महंगी ले लो चाहे सस्ती ले लो, सारी साड़ियों में यही वर्क आने लग गया है, क्योंकि अब हाथ का काम बहुत कम मिलता है, सारा वही नग को चिपकाया रहता है, चाहे सूट है साड़ी में सब में, तो इस टाइप की साड़ी, बट अभी तक खराब नहीं हुई है इसकी, इस साड़ी को भी 6 साल हो गए लेकिन अभी तक साड़ी खराब, बिल्कुल नग वगैरह खराब नहीं हुए। मैंने पहना है इस साड़ी को काफ़ी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी हल्की भी लगती है, कहीं भी किसी की शादी वगैरह में गई या कोई फेस्टिवल हुआ तो मैं इस साड़ी को वेयर कर लेती थी, तो ये साड़ी भी अच्छी है, ये चौथी साड़ी है मेरी। और इसका है ये ब्लाउज, मैंने इस टाइप से बनवाया है इसका ब्लाउज, देखिए इस टाइप का ही ब्लाउज। और अब है मेरी ये पांचवी साड़ी, ये है नेट की साड़ी जो मैंने अभी पहन रखा, ये भी मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, अधिकतर साड़ियाँ मुझे आपको मुझे मेरी शादी के टाइम की ही मिलेगी, मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं। तो ये है मेरी पांचवी साड़ी, ये है नेट की साड़ी, देखिए नेट में प्रिंट है, प्रिंटेड नेट है ये, ये भी उस टाइम पे नई चली हुई थी जब मैंने ली थी ये साड़ी, तो उस टाइम पे मार्केट में बिल्कुल मतलब नए डिज़ाइन की साड़ी थी आई थी जब मैंने ली थी। इसमें भी वही देखिए वैसा वर्क है, जैसे वो मेरी ग्रीन वाली साड़ी में था ना, डार्क ग्रीन वाली में, ऐसा ही वर्क है, देखिए सेम वर्क वैसा है, और बस इसका फैब्रिक अलग है क्योंकि ये नेट में है, वो सिफोन में था, जॉर्जेट सिफोन में था। ये भी सेम देख रहे हैं, जरी का काम है और वेलवेट है, ऐसा ही जैसा उस स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था, और मोती भी वैसी सेम लगी हुई है। तो यही होता है कपड़े का, तो डिज़ाइन और चीज़ सेम रहती है, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग करके वो नया डिज़ाइन बना देते हैं, बाकी तो मटेरियल सेम रहता है। देखिए आप इस टाइप से पूरी साड़ी में वर्क है, पूरी साड़ी में इस टाइप का वर्क है, देखिए नीचे नीचे एक फ्लावर है, हर जगह पूरी प्लेट्स पे फ्लावर हैं, हर एक प्लेट्स पे ऐसे फ्लावर हैं छोटे छोटे से, और बीच बीच में कहीं कहीं ये बड़ा फ्लावर आ रहा है। कि मैरिज हुई थी ना उस टाइम पे मेरी मम्मी ने दिलाई थी मुझे साड़ी। इसका ब्लाउज मैंने यहाँ तक का स्लिप लग सिलवाया है, मैं पहनती ऐसे नहीं हूँ यहाँ तक का स्लिप का ब्लाउज, बट मैंने उस टाइम चल रहा था काफ़ी, तो उस टाइप का एक फ्लावर यहाँ पर आता है बीच में। और मेरी छठी साड़ी है ये है वो
ये देखिए, ये मैंने खुद खरीदी थी तीज में। मैं मतलब हाँ, वही मेरी दूसरी या तीसरी तीज थी शादी के बाद, तब मैंने ये साड़ी खरीदी थी। बिल्कुल लाइट वेट है इसका, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है कि मैं नहीं पहन सकती। इसको मैं डेली यूज़ में भी पहनती हूँ। जैसे ससुराल में थी तो मैं डेली यूज़ में पहन लेती थी, जैसे घर में कभी कभी डाल लेती थी। तो अच्छी है साड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसका वर्क भी बिल्कुल सॉफ्ट है। जरी का काम है बट बहुत सॉफ्ट है। ये नहीं लगता कि हैवी लग रही है, मैं पहन नहीं पाऊंगी। तो अच्छी है ये साड़ी भी, देखिए आप, कलर भी इसका अच्छा है, काफ़ी डार्क कलर है। देखिए ये है मेरी पांचवी साड़ी। और अब है मेरी छठी साड़ी, और ये लास्ट साड़ी है, और छठी साड़ी। ये साड़ी है मेरे लिए बहुत, मैं मेरी बहुत खास साड़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा खास साड़ी है। देखिए ये है ऐसी साड़ी, मैं बताऊंगी इसके बारे में। और ये डिज़ाइनर साड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी जितनी भी साड़ियां हैं, जितनी भी साड़ियां दिखाई, उसमें सबसे अच्छी साड़ी मेरे लिए मेरी यही है। और इस साड़ी को मेरे हस्बैंड ने, पहली बार मेरे हस्बैंड ने कुछ दिया था मुझे, तो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने मिलके मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था ये, क्योंकि वही दोनों गए थे मार्केट, और ये दोनों, उन दोनों की, उन्हीं दोनों की पसंद है, तो दोनों ने मिल, दोनों मिलकर लाए थे ये साड़ी। तो दोनों को उतना ही प्यार जाता है। और ये साड़ी देखिए, सच में ये साड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ये बिल्कुल धागे की एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल रेशम के धागे की। इसमें कोई मतलब ज़्यादा हैवी वैसा नहीं है कि ज़्यादा वैसा ओवर नहीं लग रहा है। देख के, कहीं कहीं पे नग लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए स्टेप से। तो सच में ये साड़ी बहुत अच्छी है। मैं इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। इस तरह से है साड़ी, नीचे नीचे वर्क है इतना। और ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। सॉरी, मैं उल्टी दिखा रही थी आपको। इस तरह से ये नीचे, ये नीचे की साड़ी है, नीचे की साइड आएगी, मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से दिखाना चाहिए मुझे, देखिए ऐसे, ये है ऐसे, इस टाइप से ही है। और ये आपको लग रही होगी उल्टी, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था कि इसका डिज़ाइन उल्टा है साड़ी का, बट उल्टा नहीं है, उल्टी नहीं है ये। ये पहनने पे ऐसी आती है, ऐसे करके, जब हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके अम्बियाँ ऐसे करके आती है। तो उस टाइम जब हम लेकर आए थे तो हमें, मुझे लगा कि ये साड़ी मतलब डिज़ाइन इसका इसकी उल्टी है, और क्योंकि जैसे तगड़ी तगड़ी पहनते हैं ना, उस टाइप से यहाँ पे कमर के पास उस टाइप से आती है, एक फ्लावर यहाँ पर आता है। तो सच में बहुत, इसका फाइनल लुक पहन के कभी मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लुक आता है इस साड़ी का, बिल्कुल तगड़ी की तरह आती है, यहाँ पे बनती है और पल्ले के ऊपर ऐसे जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो उल्टी नहीं थी, उल्टा डिज़ाइन नहीं था इसका, हमारे हमने सोच लिया था उल्टी उल्टी है साड़ी, उल्टी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। सच में बहुत अच्छी साड़ी है, और इसका कपड़ा भी हटके है बहुत, पता नहीं सिल्क है क्या है, बट बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, बहुत ज़्यादा। तो ये साड़ी तो मैंने बताया बहुत खास है मेरे लिए, और सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे ये साड़ी। और इसका ब्लाउज ऐसा है, छोटी सी स्लीव बनवाई है मैंने, छोटी सी स्लीव है, ये पीछे डिज़ाइन है, साड़ी वाला ही डिज़ाइन है, इस पर भी वर्क है। और ये पाइपिंग मैंने लगवाई थी पिंक, क्योंकि अच्छा लग रहा था, मैचिंग मैचिंग हो रहा था इसके साथ का। तो फ्रेंड, फाइनली आपने देख लिया मेरी, देख लिया आपने मेरी पार्टी वेयर साड़ी, क्योंकि इतनी ही साड़ी है मेरे पास, इतनी साड़ी का कलेक्शन है पार्टी वेयर साड़ी का। तो फ्रेंड, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं कह सकती, किसी और वीडियो में लेकर आऊंगी आपके पास, जो मैं डेली वेयर की साड़ी है, जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, बिल्कुल लाइट वेट सिंपल साड़ियाँ मैं वो ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। ये सब तो चलो है, कभी फेस्टिवल वगैरह में भी ये सब साड़ी में अच्छी लगती है पहनने पर। तो ये थी मेरी पार्टी वेयर साड़ी, और फिर मैं अगले किसी और वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी सिंपल डेली वेयर की साड़ी। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी साड़ी कलेक्शन कैसी लगी आपको, इसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।